don't take a hit. 30 on me in the club. It ain't shit to drop a bottle. Pop a bottle of the bubble. Feeling lovely, don't trouble. Cause I got it like that. आंसर इन वन वर्ड. सो मैं यहाँ पे शायद तीसरी बार आ रही हूँ और हमेशा ही ये एक्सपीरियंस, नायग्रा फॉल का एक्सपीरियंस हमेशा ही बहुत स्पेशल रहा है, बहुत ही सुकून वाला एक्सपीरियंस रहा है. बट आज धूप है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तारिणी भी बहुत एंजॉय कर रही है. There's a rainbow. There's a rainbow. Wish for something. See? Go back. Oh yeah, there's a rainbow. There's a rainbow. There's a rainbow. There's a rainbow. Make a wish. Make a wish. Beautiful. पानी में से आ रहा है. तो नायग्रा फॉल्स के हम कनाडा साइड में हैं और इस तरफ ये है वो ब्रिज यूएसए एंड दैट इज द यूएसए साइड एंड दिस इज कनाडा. बीच में से बॉर्डर पास होता है और जो आपको रेड शिप दिख रही है वो कनाडा की बोट है जो फॉल्स के पास अंदर तक जाती है और ये जो ब्लू बोट है वो है यूएस की बोट. सो दिस इज अ टूर जो आपको वहाँ से फेरी लेनी होती है एंड इट विल टेक यू ऑलमोस्ट नियर द फॉल्स. यहाँ पर एकदम पास में फॉल्स के पास में लेके जाते हैं एंड आप देख सकते हैं ये बोट बढ़ रही है फॉल्स के पास, एकदम फॉल्स के फुट्स तक लेके जाएगी और देन आप भीग जाओगे एंड देन यू गो बैक. बट येट इट्स इट्स अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. दैट बोट इज कॉल्ड द मेडन ऑफ द बेस्ट. और ये जो है इस फॉल्स को कहते हैं क्वींस नेकलेस एंड दैट इज आई थिंक यूएस के साइड से वो फॉल हो रहा है. तो ये पूरा नायग्रा जो रिवर है वो आती है यूएस की तरफ से और आगे बढ़ रही है कनाडा की तरफ. तो देखिए वो बोट ऑलमोस्ट फॉल्स के फुट तक पहुंच गई है एंड द वाटर स्पीड इज वेरी वेरी फास्ट. कुछ देर तक वो बोट वहाँ पर रुकी रही फॉल्स के नीचे और फिर यूएस की बोट वापस जा रही है एंड देन कनाडा की बोट वहाँ से आएगी. फॉल्स के पास हम जाके आ गए और अब जा रहे हैं जर्नी बिहाइंड द फॉल्स की क्यू में, देखते हैं कितनी क्यू है और हमें एंट्री अभी दे रहे हैं या 6 बजे देंगे. लेट्स सी. हमारे बिहाइंड द फॉल की टिकट्स और अभी हम क्यू में खड़े हैं बिहाइंड द फॉल्स जाने के लिए. बट विवेक जो है वो तारिणी का बैग लेने के लिए गया है. सो वी जस्ट वेटिंग फॉर विवेक. आई जस्ट होप कि वो टाइम पे आ जाए. 6 बजे गेट्स ओपन हो जाएंगे टू गेट इनसाइड द फॉल्स बिहाइंड द फॉल्स. आई जस्ट होप विवेक टाइम पे पहुंच जाए. हम उसको गेट कीपर को बोल के आए हैं कि देयर इज वन मोर पर्सन कमिंग. आई जस्ट होप वो उसको अंदर आने दे और वो टाइम पे आए. फाइनली विवेक आ गया है और हमारे साथ अभी इस क्यू में है. फाइनली डाउन.
6 बज चुके हैं और अभी हम एंटर करने वाले हैं बिहाइंड द फॉल्स और जाएंगे फॉल्स के पीछे बिहाइंड द फॉल्स तो नीचे जाके फॉल जैसे गिर रहा होगा तो उसके पीछे हमें मिलने वाले हैं रेनकोट्स पहनने के लिए क्या देने वाले हैं वो देखते हैं अभी पहले तू पहन ले फिर बाद में पहना उसको सर ट्राई कर दिया रुक जट कर ले ट्राई नीचे से नहीं नहीं नीचे से पहन ले तारिणी को अच्छा लगेगा पॉन्चो पहन लिए और ये दो लोग से यहाँ पर जो जाएंगे शायद नीचे फॉल्स के पास तारिणी ऑलमोस्ट सोने को आई है मेरे को लगता है फॉल्स के पहले सो जाएगी आई डोंट थिंक सो नहीं नो 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 टाइम आते हैं आणि तो मम्मा माझे फाशे पडणार चुप 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 ये हमें लेके जाएगा नीचे ये संभाल के और वहां से हमें फॉल्स तो दिख रहा है close to the fall oh my goodness oh my goodness wow are idhar fantastic Niagara Falls niche se It's worth coming down here. Falls को इतने पास से ऊपर से तो दिखता नहीं है but yeah, it's worth coming down here. जो दूर से भी नहीं दिखता ना वो यहाँ पास आके दिखता है इट इज जस्ट अमेजिंग मैंने बोट से आके भी किया है यूएस के साइड से बट ये वाला फील जो यहाँ पास है फॉल्स ये वाला जो फील है वो बोट से आता नहीं और हर फॉल्स का पानी आपके ऊपर गिर रहा है अभी एंड आई एम गेटिंग वेट नाउ दिस इज अमेजिंग ये यहाँ पे आना ही चाहिए आई थिंक दिट इज वर्थ इट बिकॉज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर और अमेजिंग पार्ट ये है कि रेनबो जा नहीं रहा है तो
कुछ क्लोजअप लेके देखते हैं कैसा आता है। तारिणी वहाँ है, वहाँ पानी के और पास। और हमें अभी एक कॉर्नर मिल गया है, तारिणी और तारिणी ने पोंचो पहनने से मना कर दिया है तो वो मस्त में भीग रही है। पर एंजॉय पूरा कर रही हूँ। ये था हमारा जर्नी बिहाइंड द फॉल्स का व्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। कुछ कमाल जगह है ये, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत मज़ा किया। तारिणी थोड़ी सी क्रैंकी हो गई है एंड में, इसलिए हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। व्हाट अ डे, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम बहुत बार आए हैं नायगरा के, नायगरा को ऊपर से देखा है, आज जो हम यहाँ आए हैं ये एक्सपीरियंस कुछ और ही है। Wow, this is amazing. I'm sure आपको भी ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, हमने बहुत enjoy किया। मुझे नहीं मालूम इसके आगे मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी कि नहीं, अगर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, अनटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।